हमने जिंदगी भर उही किया जो आपको ठीक लगा, चाहे वो सही हो या गलत। कभी कोई सवाल नहीं किया, ना हमारा सवाल करने का हिम्मत हुआ। पर आज हमारा सारा डर एक तरफ रख के हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? आप हमेशा कहते हैं ना कि आप गलत के साथ गलत करते और सही के साथ सही। हमारी बेटी रागिनी तो आपकी नजरों में सही थी ना, तो उसके साथ कैसे गलत कर सकते हैं आप? कहना क्या चाहती हैं आप? ये जो आपका बंदूक है ना, बहुत ताकत है उसमें। ये कुछ भी कर सकता है, बोलते को चुप कर सकता है और गूंगे को बोलता। इसके जोर पर ना भी हाँ हो सकता है। बाप के सर पर बंदूक रखकर बारात उठा लिया जा सकता है, काका के सर पर बंदूक रखकर लड़के को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। रागिनी के बाबूजी, मैं एक बात का जवाब दीजिए, आपके पास ऐसा कौन सा बंदूक है जो अनुराग में रागिनी के लिए प्यार जगा सके? है कोई बंदूक ऐसा आपके पास जो मन का भेद मिटा सके? अरे आइए बैठिए हमारे पास। अब जब सवाल पूछने का हिम्मत करिए लिए हैं तो जवाब भी सुनिए। जिला का टॉप लड़का है अनुराग, बहुत दिन से नजर था हमरा उस पर, और हम अपनी बिटिया को अपने से दूर भी नहीं भेजना चाहते थे। इसीलिए अनुराग से ज्यादा बढ़िया लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता है उसके लिए। विद्वान सिंह का परिवार का कमजोरी है पैसा, हम बस उसी कमजोरी का फायदा उठाए, लेकिन विद्वान सिंह को तोड़ नहीं पाए, इसीलिए ये सब चीज करना पड़ा। विश्वास कीजिए, बिटिया को ऐसे विदा करके हमको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करते, हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। बाकी आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्रेम करवाने का कोई बंदूक नहीं आता। देखिएगा, समय के साथ सब कुशल मंगल हो जाएगा। आप हमारा पान खराब करवा दी, कम से कम अपने हाथ का बना एक प्याली चाय तो पिलवा दीजिए। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? खैर तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।